हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव एसपीएल स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, निसाधारण ब्याज। इस साधारण ब्याज के सवाल कैसे हल करेंगे, बड़े आसानी से इसको हल किया जा सकता है। तो चलिए सवाल पर चलते हैं। सवाल सबसे पहला सवाल है हमारा, अगर दर को 3% बढ़ा दी जाए, अगर दर 3% बढ़ा दी जाए तो किसी धन का साधारण ब्याज 138 रुपये अधिक हो जाता है, वह धन बताओ। तो सबसे पहले हम ये देखें कितना अधिक हो जाता है, इसको देखेंगे। ये 138 अधिक हो जाता है। अब कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, 3% बढ़ा दिया जाए, यानी 3 का इसमें भाग दे देंगे और तो कह रहा वह धन बताओ। धन हमेशा हम यानी मूलधन को हम हमेशा 100 में निकालते हैं, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे, काट दो इसको, 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 छः 18, 46 बार कट गया, 46 का इसमें गुणा कर दे 100 में, तो आ गया 4600, 4600 रुपये हो गया मूलधन। दोस्तों मूलधन हो गया 4600 रुपये। ये पहला सवाल हल हो गया हमारा। अब आता है दूसरा सवाल, अगर समय 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष होता तो 8% की दर से साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक होता, वह धन बताओ। दोस्तों इस सवाल में समय एक ही निश्चित थी, इस सवाल में 2 समय दे रखी है, 5 से 7 यानी 2 वर्ष का दे रखा है, 2 वर्ष का 360 रुपये अधिक होता यदि दर 8% होती तो। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये दूसरा सवाल हो रहा है यहाँ पर, तो कितना अधिक हो जाता है लिखेंगे, कितना अधिक हो जाता है 360 रुपये अधिक हो जाता है, 360 हमने बंद कर लिया, 360 को यहाँ पर लिखेंगे, 360 रुपये अधिक हो जाता है, कितनी दर से हो जाता है, 8 की दर से हो जाता है 8। अब लेकिन ये दोस्तों ये समय हमारा है 5 और 7, 5 से 7 होता तो 2 वर्ष का आ रहा है, यानी 5 के बदले 7 होता तो 2 वर्ष अधिक होते से, तो यहाँ पर पहले ही हम 2 कर लेंगे, क्योंकि 2 वर्ष का दे रहा है वो 360 रुपये अधिक हो जाता। अब कह रहा हुआ धन बताओ यानी मूलधन बताओ, तो मूलधन के लिए हम पहले की तरह ही हम 100 कर देंगे यहाँ पर, अब इसको काट देंगे, 8 से काट दो इसे, 8 चौक 32, 4 बच गए, 8 पंद्रह 40, ये कट गया, यानी 8 चौक 32, 4 बच गए, 8 पंद्रह 40, ये कट गया 360। अब 2 से इसको काट दो, कितने बार कटेगा, 50 बार, इसका गुणा कर देंगे, तो 0 का 0 5 25, 5 20 22, ये आ गया इतने रुपए। तो दोस्तों मूलधन आ गया हमारा 2250 रुपये। अब 5 के बदले 7 वर्ष होता यानी 2 वर्ष का कह रहा है, 2 वर्ष और बढ़ जाते हमारे तो 8% की दर से 2 वर्ष बढ़ने पर 360 रुपये अधिक मिलते, 360 का हमने आधा कर दिया, 360 बटे 2, मूलधन निकालना है तो 100 कर दिया, उसके बाद में 8% की दर से तो 8 का भाग दे दिया, अब हमारा मूलधन निकल आया हमारा 2250 रुपये। तीसरा सवाल आता है हमारा, कोई धन 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, यदि साधारण ब्याज 5% अधिक होती तो 225 रुपये अधिक मिलते, वह धन बताओ। तो दोस्तों ये सवाल हमारा इसके जैसा है, लेकिन इसमें 5 वर्ष दे रखे हैं, 5 वर्ष के लिए दिया दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे, कितने रुपये अधिक हो जाता है इसको देखेंगे हम, कितने रुपये अधिक हो जाते हैं 225। तीसरा सवाल है 225 रुपये अधिक हो जाते हैं। अब कितने समय कितना दे रखा है इसमें, ये दे रखा है 5 वर्ष, कितने परसेंट है 5, ये हो गया दोस्तों। अब हमें कितना कह रहा है, ये हुआ धन बताओ यानी मूलधन बताओ, तो मूलधन के लिए हम पहले से करते आ रहे हैं, 100 का गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 5 से काट दो इसको, 5 चौक 20 5 25, 5 से इसको काट दो, 5 नम 45, अब दोस्तों इसका गुणा कर देंगे हम 100 का 9 में, तो 900 रुपये हो गया, वो धन हो गया हमारा 900 रुपये, ये आंसर हो गया, मूलधन हमारा निकल के आ गया 900 रुपये। अगला सवाल है, कोई धन 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 12600 रुपये हो जाता है, वह धन बताओ। तो दोस्तों कितना रुपये हो जाता है, इतने रुपये। अब इसमें क्या 5 वर्ष में हो जाता है 12600 रुपये, तो दोस्तों ये हमारा मूलधन नहीं है, हमारा मिश्रधन है,
अगर मिश्रण दे रखा है तब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए एक सूत्र है, मिश्रण मिश्रण से हम निकालेंगे मूलधन, तो मूलधन के लिए वही 100 करेंगे बट्टे, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 100 प्लस अब कितना 8% की दर से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है, 8% है ये, 5 वर्ष के लिए दिया जाता है, इसका गुणा करके इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना होगा, मिश्रण कितना दे रखा है 12,600 रुपए, 12,600 रुपए गुणा 100 बट्टे 8 40 हो गए दोस्तों, 40 हो गए, 40 में इसको जोड़ देंगे 100 को तो 140 हो गया, 0 से 0 काट दिया, 14 का भाग दे देंगे इसमें, 14 नम्मा 126 होते हैं, अब 2 0 आ गए, इसका गुणा इसमें कर देंगे हम, 10 का गुणा 900 में करेंगे तो ये आ गया 9,000 रुपए। तो दोस्तों हमारा मिश्रण निकला, मूलधन निकला हमारा 9,000 रुपए। तो दोस्तों ये कैसी रही हमारी ये आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी आगे पढ़ने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले, क्योंकि इस समय एग्जाम का टाइम चल रहा है, एग्जाम आने वाले हैं जिसमें आपको अधिक से अधिक मदद मिले। इसी के साथ जय हिंद।